अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर, राजधानी भोपाल से आंदोलन की राह पर संविदा विद्युत कर्मी हैं, आंदोलन की राह पर हैं। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं विद्युत कर्मी। पहले 6 जनवरी को स्थगित की थी हड़ताल, पीएस संजय दुबे के आश्वासन पर स्थगित की गई थी। संजय दुबे ने सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया था और आश्वासन के बाद संगठन की सीएम से भेंट नहीं हुई। निजी होटल में अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति बनाई गई थी। हड़ताल होने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित होगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन की राह पर हैं संविदा विद्युत कर्मी। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग हड़ताल पर हैं, संविदा विद्युत कर्मी। पहले 6 जनवरी को हड़ताल स्थगित की थी, पीएस संजय दुबे के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित किया था, लेकिन जो आश्वासन दिया गया संजय दुबे की तरफ से कि सीएम से मिलवाएंगे, सीएम से मिलवाने की बात यहां पर कही गई, आश्वासन के बाद संगठन की सीएम से भेंट नहीं हुई, तो सीएम से मुलाकात नहीं हुई, जिसके चलते इन लोगों में नाराजगी है। और अब जो है आंदोलन की राह पर है, एक बार फिर से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये संविदा कर्मी, विद्युत संविदा कर्मी चले गए हैं। निजी होटल में अनिश्चितकालीन हड़ताल की रणनीति इन संविदा विद्युत कर्मियों ने बनाई है। हड़ताल होने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित होगी।